हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको सूजी से बने एक बहुत ही टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ही चटपटा सा बनता है ये नाश्ता, और इस हेल्दी से नाश्ते को हम बहुत ही कम ऑयल में बनाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही ज़्यादा चटपटे और टेस्टी से नाश्ते को। तो यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ले लिया है। आप यहाँ पे मोटी या पतली कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। अब एक कप सूजी में हम आधा कप दही ऐड कर देंगे। तो जितनी आप सूजी लेंगे उसकी आधी आप दही ले लें। अब इसमें पानी मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे, जो कि हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में भी सूजी फूलती है। तो मैंने तो इसमें एक बार में ही अंदाजे से पानी ऐड कर दिया है, बट आप ऐसा ना करें, आप थोड़ा थोड़ा करते हुए ही इसका बैटर तैयार करें। तो बैटर तैयार हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 10 मिनट तक के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट तक मैंने इसे ढककर रख दिया था, सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है और बैटर हमारा गाढ़ा भी हो गया है, इसीलिए बैटर को हमने थोड़ा सा पतला रखा था ताकि बाद में ये फूलती है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देंगे, यानी कि इनो, और इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो ऐड करते ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बैटर काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा। तो अब हम इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे नहीं। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है अपने पैन को मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस भी कर दिया था। पैन हमारा हो चुका है गर्म। तो अब हमें कर देना है फ्लेम को लो पे और इसमें डाल देना है बैटर। तो मैंने सभी मोल्ड्स में भर दिया है बैटर को। अब हम इसका लीड लगा देंगे और इसे 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसी तरह से पकने देंगे। 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे गाइस। तो ये काफ़ी अच्छे से फूले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म है। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने सभी को पलट लिया है। फिर से एक बार ढक्कन लगा देंगे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब लगभग 1 मिनट तक नीचे से इसे सेक लेंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं गाइज, ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में। आप चाहे तो इन्हें चेक कर सकते हैं, बट मैं अंदाजे से ही इन्हें निकाल लूँगी क्योंकि ये पक चुके हैं। तो सभी को निकाल लेंगे। तो अप्पे हमने तैयार कर लिए हैं, अब एक पैन को गर्म कर लेंगे। जैसे ही पैन गर्म होगा उसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। तेल के गर्म होते ही उसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ सेकंड्स के लिए इसे इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने कुछ देर तक भून लिया है, कच्चापन चला गया है इसमें का। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज का प्याज, जिसके पेटल्स मैंने निकाल लिए हैं पंखुड़ियाँ, और एक मीडियम साइज का ही बड़ा बड़ा चौकोर कटा हुआ शिमला मिर्च। तो अब हम इसे चलाते हुए भूनेंगे लो फ्लेम पे। तो हमने इसे कुछ देर तक भून लिया है, इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। तो जब तक पैन में भून रहे हैं प्याज और शिमला मिर्च, तब तक हम कॉर्नफ्लावर का घोल भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक छोटी सी प्लेट में ले लिया है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, आप इसकी जगह पे अरारूट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि 1 चम्मच लिया है आपने कॉर्नफ्लावर, तो उसमें 3 चम्मच डाल दें पानी। घोल तैयार हो चुका है हमारा। अब हम प्याज और शिमला मिर्च में इसे ऐड कर देंगे, जो घोल हमने कॉर्नफ्लावर का तैयार किया है, और अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, नहीं तो लम्स बन सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे करें। अब 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे।
अब ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे। अब ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। तो हमने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब आधा छोटा चम्मच ऐड कर देंगे नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ले लें। साथ ही ऐड कर देंगे क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देता है, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे करेंगे और साथ के साथ मिक्स भी मैं करती जा रही हूँ इन्हें, क्योंकि मैंने इसमें जो कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है वो अगर नहीं चलाएंगे तो उसमें लम्स पड़ सकते हैं, तो साथ के साथ चलाते भी जाएंगे। अब इसे थोड़ा सा और टैंगी बनाने के लिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से हो गई है तैयार। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अप्पे जो हमने बना कर रखे थे, ये छोटी इडलियाँ। इन्हें आप इडली पैन में भी बना सकते हैं, मैंने इन्हें अप्पे पैन में बनाया है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों अलग अलग पैन में बनी हुई है, बट दोनों का फ्लेवर सेम होता है, दोनों इडली ही कही जा सकती है। तो आप यहाँ पे इडली का यूज कर सकते हैं, बड़ी इडली है तो आप उन्हें कट कर लें। तो अप्पे या फिर इडली कहें आप, तो इनमें अच्छे से कोट कर लें मसाला। और इन्हें जब हम कोट कर रहे हों मसालों में तो फ्लेम को कर दे हाई पे। अब हम लास्ट में इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और धनिया को भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। नाश्ता हमारा बिल्कुल हो चुका है तैयार, तो इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो हमारा हेल्दी टेस्टी और बेहद ही चटपटा सा नाश्ता हो चुका है बनकर तैयार, जो हमने बनाया है सूजी से। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ गाइस कि रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल कुक विद सोफिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर लें गाइस, जिससे कि आप पा सकेंगे मेरे हर न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। एंड इट्स टोटली फ्री। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।